नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो एंजेलिक हीलर्स के लिए है, जो एंजल हीलर बनना चाहते हैं, जो एंजल हीलिंग सीख रहे हैं, जो एंजल हीलिंग कर चुके हैं और एंजल हीलिंग को लेकर अभी तक उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिल पाया है, क्योंकि एंजल हीलिंग को साथ अगर नहीं पाए हैं तो एंजल हीलिंग में सक्सेस नहीं मिल पाता। क्योंकि ज़्यादातर जो एंजल हीलर्स हैं उन्होंने एंजल्स को साधा नहीं है और इसलिए वो एंजल हीलिंग में वो महारत हासिल नहीं कर पाए हैं जो उन्हें कर लेनी चाहिए थी। एंजल हीलर अपने आप को एंजल हीलर तभी बुला सकते हैं जब वो एंजल्स से सीधे कांटेक्ट कर पाते हैं, एंजल्स को महसूस कर पाते हैं, एंजल्स से उनका एक जुड़ाव होता है, एंजल्स उनका कहना मानना शुरू करते हैं, एंजल्स उन्हें गाइड करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत लोगों ने एंजल हीलिंग सीखी है और एंजल हीलिंग को सीख करके उन्होंने बहुत कोशिश किया है और कोशिश करके उन्होंने एंजल को साधा है, लेकिन उन्हीं के अनुभवों के आधार पर और मेरे खुद के अनुभव के आधार पर और हमारे बहुत सारे जो एंजल हीलर्स हैं उनके साथ कई अनुभवों को साझा करके हमने एंजल हीलिंग कोर्स को और गहरे में लेकर आए हैं और ज़्यादा उसमें डीपर हमने रिसर्च किया है, डीपली उसे और ज़्यादा समझा है। और एंजल्स के साथ जो एक कनेक्शन होता है, जो जो लोग एंजल्स का कनेक्शन बना चुके हैं उनके साथ मिलकर हमने कुछ नया खोज निकाला है। एंजल हीलिंग कोर्स को हमने बहुत ज़्यादा आगे लेवल पर लेकर आए हैं। कैसे बात करना है, एंजल्स के साथ कैसे डील करना है, एंजल्स को कैसे हमें शमन करना है, एंजल्स को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, इस पर हमने सब ने मिलकर एक डिटेल कोर्स तैयार किया है। ये कोर्स पहले वाले कोर्स से कहीं आगे है, कहीं डीपर है। इस कोर्स में आप सीखेंगे कि एंजल्स को कैसे हम बनाते हैं, एंजल्स को कैसे हम अपने प्रार्थना के ज़रिए आज्ञा देते हैं और हम वो है काम करवाते हैं जो हम उनसे चाहते हैं। ज़्यादातर एंजल हीलर्स को किसी और हीलिंग साइंस की, किसी और हीलिंग विधा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ना हीरे की हीलिंग करने की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ना ही मनी की, ना ही टैरो कार्ड की और ना ही लामा फेरा की। एंजल हीलर को टैरो कार्ड का पूरा नॉलेज होता है, वह अपने एंजल टैरो कार्ड से सारे जवाब बता पाते हैं, अपने क्लाइंट्स को सारे जवाब निकाल पाते हैं, एंजल्स उन्हें सीधे गाइड करते हैं अपने कार्ड के थ्रू। लेकिन क्या जितने आसानी से मैं बोल रहा हूँ क्या ये इतना आसान है? सीखना तो बहुत आसान है पर क्या साधना आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ये सिखाता हूँ कि कोई भी हीलिंग साइंस सीखने का नहीं, साधना का विषय है। एंजल हीलिंग साइंस एक लंबा कोर्स है, बहुत लंबा समय देना होगा आपको भी, आपके मास्टर को भी। बहुत दिनों तक आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत दिनों तक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, तब कहीं जाके आप एंजल्स को अपने साथ महसूस करना शुरू करेंगे, तब कहीं जाके एंजल्स से आप आज्ञा लेना और आज्ञा देना सीखेंगे। एंजल्स एक महान शक्ति है जिन्हें साधने के लिए बहुत पेशेंस लगाना होता है, बहुत संयम देना होता है और बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ इससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। बहुत आसान है लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, साधना चाहिए। तो इस एंजल कोर्स को करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि एंजल्स के साथ कैसे हमें शुरुआत करनी है, कैसे हम इस कोर्स को पूरा करेंगे, कैसे हम अपने जीवन में एंजल्स की कृपाओं को, अपने एंजल्स को अपने अंदर धारण कर पाएंगे, कैसे हम एंजल नंबर के थ्रू लोगों के जीवन को हील कर पाएंगे, चाहे मनी प्रॉब्लम हो, चाहे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे सोशल इश्यूज हो, चाहे स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हो, एंजल हीलिंग से आप सब क्योर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।